नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, अगर आप अपने पीसी में गेमिंग करते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं तो ऐसे में एक ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन गर्मियों के सीजन में जब एम्बियंट टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होती है, तब ड्यू टू ओवरहीटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस में थर्मल थ्रॉटलिंग के कारण हमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता है। अब ऐसे में अगर आपके पास ऐसा एक पैसिव कूलिंग वाला ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें सिर्फ हीट सिंक लगा है लेकिन कोई भी एक्टिव कूलिंग पैन नहीं लगा है, तब 5-10 मिनट्स यूज़ करने के बाद ही इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। गेम्स में FPS अच्छा नहीं मिलता है और एडिटिंग बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक PC कूलिंग फैन लगा के हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस और टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं, और क्या सच में ये जो PC कूलिंग फैंस है ये आपके PC के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है या नहीं, वही हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफिक्स कार्ड है जो कि है NVIDIA GT 1030। ये पैसिव कूलिंग वाला मॉडल है। इसका एक लो प्रोफाइल एक्टिव कूलिंग वाला मॉडल भी मिलता है जिसमें एक छोटा सा फैन लगा होता है, लेकिन ये पैसिव कूलिंग मॉडल है तो इसलिए इसमें सिर्फ एक बड़ा सा हीट सिंक मिलता है जिसमें कोई भी फैन नहीं लगा मिलता है। ये INO 3D का मॉडल है जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं इस GPU की PCB में एक अलग से 2-pin GPU फैन हेडर दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अलग से कोई भी GPU फैन इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन हम इस GPU फैन हेडर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हर एक GPU के लिए स्पेसिफिकेशन वाला फ़ैन होता है। अगर आप कोई भी दूसरे स्पेसिफिकेशन वाला, मतलब कोई भी दूसरा वोल्टेज या फिर एम्पियर वाला फ़ैन इसमें लगाएंगे तो ज़्यादा पावर ड्रॉ होने के कारण ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इसीलिए हम इस फैन हेडर को यूज़ नहीं करेंगे। और जो फ़ैन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है 120mm PC कूलिंग फ़ैन, जो कि होममेड फ़ैन है। मैंने इसको घर में बनाया है एक पुराना SMPS से निकाल के। इसकी जो पावर कनेक्टर है उसको मैंने चेंज किया है। मैंने यहाँ पर मोलेक्स पावर कनेक्टर यूज़ किया है ताकि मैं आसानी से SMPS की मोलेक्स पावर कनेक्टर से इसको पावर दे सकूं। और इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 12 वोल्ट एट 0.16 एम्पियर। मतलब देख सकते हैं कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 2 वाट से भी कम है। मतलब इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन जितना ये नेग्लिजिबल पावर कंज्यूम करता है उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ये PC परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं वही हम देखेंगे बाद में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले विदाउट एनी कूलिंग फैन इंस्टॉल्ड हम सिर्फ सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे और एक गेम प्ले करेंगे और देखेंगे कि कैसा हमें परफॉर्मेंस मिलता है FPS एंड टेम्परेचर। जो गेम मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ वो एक काफ़ी पॉपुलर गेम है दोस्तों, आप सभी को पता है GTA 5। इस गेम को मैं 1080p हाई टू मीडियम सेटिंग्स में प्ले कर रहा हूँ। मैं आपको बाद में ग्राफिक सेटिंग्स दिखा दूंगा। GPU की जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 72-73 डिग्री सेल्सियस, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। टेम्परेचर एंड FPS मॉनिटर और गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए मैं MSI Afterburner सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों नॉर्मल जो FPS हमें मिलता है उससे 7-8 FPS कम मिल रहा है यहाँ पर, तो जो GPU की एक्सट्रीम टेस्ट है वो यहाँ पर हो रही है दोस्तों। और इस गेम को लगभग 5-6 मिनट खेलने के बाद ही देख सकते हैं GPU टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गई है। और 81-82 डिग्री सेल्सियस के बाद मैं कह सकता हूं कि थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो चुकी है, जहां से हमें FPS ड्रॉप मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं अब हमें सिर्फ 45-46-47 FPS मिल रहा है। और जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1080p हाई टू मीडियम सेटिंग्स में गेम चल रही है। और नेक्स्ट जब हम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे वहाँ पर भी हमारा जो सेटिंग्स है वो सेम रहेगा। अब चलिए दोस्तों, फ़ैन को इंस्टॉल करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी मिलती है हमें।
दोस्तों फैन को आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है कि जो फैन की एयर थ्रो है वो सीधा जाके जीपीयू की हीट सिंक पे लगे। और दोस्तों मैंने फैन को ऐसे इंस्टॉल किया है जिप टाई से, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी स्क्रूज वगैरह यूज नहीं किया है। और जो पावर कनेक्टर है वो मैंने पीछे से जो SMPS की मोलेक्स पावर कनेक्टर है वहां पर लगा के इसको मैंने पावर दिया है। और देख सकते हैं कैबिनेट के नीचे जो ग्रिल लगा है यहां पर फैन को मैं लगा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर लगाया है ताकि इसका जो एयर थ्रो है वो डायरेक्टली GPU की जो हीट सिंक है वहां पर लगे और अच्छा एयर थ्रो के कारण अच्छा हीट एक्सचेंज हमें मिल सके। तो आप भी दोस्तों आपके कैबिनेट के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के देख लीजिए कि कहाँ लगाने से जो एयर थ्रो है वो सबसे अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो इनटेक साइड है, मतलब जहां से ये एयर को खींच रही है, वो बाहर की तरफ हो, मतलब कैबिनेट के बाहर की तरफ हो, ताकि बाहर से जो फ्रेश और कूल एयर है वो खींच के डायरेक्टली सिस्टम में फेंक सके ताकि हमें बेटर कूलिंग मिल सके। देख सकते हैं नीचे से जो फ्रेश एंड कूल एयर है ये खींच के डायरेक्टली हीट सिंक पे जो है थ्रो कर रही है। अब चलिए दोस्तों फैन को इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब दोस्तों जो इनिशियल टेम्परेचर है वो सिर्फ 49-50 डिग्री सेल्सियस ही है। पिछली बार टेम्परेचर था 71-72 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्ट्रेट 20 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इस गेम को हम 5 से 10 मिनट खेलेंगे, इंटेंस गेम प्ले हम करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें कितना मिलता है। दोस्तों विदाउट एनी गेम प्ले रिकॉर्डिंग FPS 60 के ऊपर ही मिलता है, 70-80 तक भी चला जाता है आसानी से। तो अभी के लिए GPU की एक एक्सट्रीम टेस्ट हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, टेम्परेचर काफ़ी कम मिलता है, तो नॉर्मल गेम प्ले में भी टेम्परेचर कम मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी के लिए टेम्परेचर जो है वो है 57 डिग्री सेल्सियस। मैं लगभग 5 मिनट खेल चुका हूँ, अभी सिर्फ 57 डिग्री सेल्सियस ही 58 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा है और इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है। प्रीवियसली हमें 82-83 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था, मतलब स्ट्रेट अवे 20-25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर ड्रॉप मिल रहा है दोस्तों, जो कि एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट है, जिसके कारण सिस्टम में कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा है, FPS भी ज़्यादा मिल रहा है। और दोस्तों जो 1% FPS ड्रॉप है, मतलब कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि गेम में FPS आपको अच्छा मिल रहा है लेकिन गेम अटक अटक के चल रहा है, तो वो जो माइनर फ्रेम ड्रॉप्स है वो भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। और स्पेशली गर्मियों के सीजन में अगर एक्सट्रीम लोड पे भी आपकी GPU की टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है तो ये एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ अच्छा 120mm एंड 80mm PC कूलिंग फैंस का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों 20 मिनट तक इंटेंसिव गेमिंग करने के बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है, यही इसका फाइनल टेम्परेचर है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की यूनिक टेक रिलेटेड कॉन्टेंट पाने के लिए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।